नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का नॉलेज वाणी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नोबेल पुरस्कार 2019 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों, उनकी विजेताओं और उनको किस क्षेत्र में वह नोबेल पुरस्कार मिला है उसके विषय में, और अंत में एक टेस्ट करेंगे जो कि एमसीक्यू की फॉर्म में होगा। तो ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं नोबेल पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना है वो अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के द्वारा 1901 में हुई थी, और ये स्वीडन से इनकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कि यह विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। दोस्तों, ये जो पुरस्कार है नोबेल प्राइज, ये विश्व का सबसे बड़ा प्राइज होता है, और नोबेल पुरस्कार जो है दोस्तों, ये स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की स्मृति यानी कि याद में दिए जाते हैं प्रत्येक वर्ष। दोस्तों, बता दें कि जो नोबेल पुरस्कार है ये अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में प्रदान किए जाते हैं, जबकि इनकी घोषणा जो है वो अक्टूबर मंथ में की जाती है। और 1901 में नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत थी, स्टार्टिंग में 5 विषयों में दिए जाने से हुई थी। यानी कि शुरू में जो नोबेल पुरस्कार था, जो कि 1901 में जब इसकी स्थापना हुई थी, तो ये सिर्फ 5 क्षेत्रों में या 5 विषयों में दिया जाता था, जो है भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति और साहित्य। इन 5 क्षेत्रों में स्टार्टिंग में जो नोबेल पुरस्कार हैं ये दिए जाते थे। बाद में अर्थशास्त्र के लिए जो नोबेल पुरस्कार दिए जाने की शुरुआत है, ये 1969 से प्रारंभ हुई। तो 1969 से नोबेल पुरस्कार जो है अर्थशास्त्र के विषय में दिया जाने लगा, और कुल मिलाकर 6 विषयों में नोबेल पुरस्कार दिए जाने लगे। दोस्तों, वर्तमान में जो नोबेल पुरस्कार हैं अब कुल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जैसा कि हमने आपको अभी बताया। पहला है भौतिकी, दूसरा है रसायन, तीसरा है चिकित्सा, चौथा है शांति, पांचवा है साहित्य और छठा है अर्थशास्त्र। दोस्तों, जो अधिकतम जो नोबेल पुरस्कार है ये एक विषय के लिए 3 लोगों को ही जो है दिया जा सकता है। जो नोबेल पुरस्कार है, 3 से अधिक लोगों को एक विषय के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। सबसे अधिक बार जो नोबेल पुरस्कार पाने वाला देश है तो दोस्तों वो है अमेरिका। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको याद रखना है। और सबसे अधिक बार जो नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला है वे है मैडम क्यूरी। और सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं लिनस पॉलिंग। तो ये हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। चलिए कुछ और फैक्ट्स को जानते हैं। दोस्तों, 1974 में ये नियम बनाया गया कि मृत व्यक्तियों को जो नोबेल पुरस्कार है यह नहीं दिया जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मृत व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार नहीं दिए जाने का जो नियम है ये कब बनाया गया। तो आंसर रहेगा 1974। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1940 से 1942 तक द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो है ये नोबेल पुरस्कार जो है ये वितरित नहीं किए गए थे, 1940 से 1942, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल जो थे, इनका जन्म 1833 में स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था, और इन्होंने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। तो एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि डायनामाइट की जो खोज है वो किसने की है। तो आंसर रहेगा अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने 1867 में। चलिए अब जान लेते हैं नोबेल पुरस्कार 2019 के विजेताओं के बारे में। तो सबसे पहला जो हमारा नोबेल पुरस्कार रहेगा वो रहेगा भौतिकी का। तो भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है यानी कि फिजिक्स में जो नोबेल प्राइज है वो दिया गया है जेम्स पीबल्स को, जो कि कनाडा के हैं। और दोस्तों, बता दें कि जेम्स पीबल्स को ब्रह्मांड में ब्रह्मांड और पृथ्वी के स्थान के विकास की समझ के लिए, यानी कि फॉर थियोरेटिकल डिस्कवरीज ऑफ फिजिकल कॉस्मोलॉजी के लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज जेम्स पीबल्स को दिया गया है, जो कि कनाडा के रहने वाले हैं। इनके साथ ही मिशेल मेयर जो कि स्विट्जरलैंड के हैं, और डिडियर कविलोज जो कि स्विट्जरलैंड के हैं, इन दोनों को भी फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है 2019 का। और इन दोनों को सौर प्रकार के स्टार की परिक्रमा करने के लिए एक एक्सोप्लैनेट जिसका नाम है 51 पेगासी बी की खोज के लिए इन दोनों को जो है नोबेल प्राइज फिजिक्स का मिला है। यानी कि फॉर द डिस्कवरी ऑफ एन एक्सोप्लैनेट जिसका नाम है 51 पेगासी बी ऑर्बिटिंग अ सोलर टाइप स्टार। तो इसकी खोज के लिए इन दोनों को, मिशेल मेयर और डिडियर केवलोस को, नोबेल प्राइज फिजिक्स का मिला है। और दोस्तों, बता दें कि जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज है ये द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा दिया जाता है। तो ये फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार की जानकारी हुई। चलिए अब जानते हैं जो रसायन के नोबेल पुरस्कार है यानी कि केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज है। तो दोस्तों, केमिस्ट्री विषय में जो नोबेल प्राइज मिला है ये मिला है जॉन बी गुड इनफ जो कि जर्मनी के हैं, एम स्टेनली विंगटम जो कि यूके के हैं,
और अकीरा योशिनो जो कि जापान के हैं। इन तीनों को जो है केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2019 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और दोस्तों इनको जो ये नोबेल पुरस्कार है ये लिथियम आयन बैटरी के विकास के लिए यानी कि फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लिथियम आयन बैटरीज के लिए इनको केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और दोस्तों बता दें कि जो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार है ये द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा दिया जाता है। चलिए अगले नोबेल पुरस्कार के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है शरीर क्रिया विज्ञान यानी कि फिजियोलॉजी या चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2019। तो फिजियोलॉजी या मेडिसिन का जो नोबेल प्राइज है दोस्तों ये इस वर्ष 2019 में जो था ये दिया गया था विलियम जी कैलिन जो कि अमेरिका के हैं, सर पीटर जे रेडक्लिफ जो कि यूके के हैं और ग्रिग एल सेमेंजा जो कि अमेरिका के हैं। इन तीनों को जो है ये मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल प्राइज 2019 में दिया गया है। बता दें इनको जो ये पुरस्कार है ये सेल और ऑक्सीजन उपलब्धता के विषय में यानी कि फॉर दियर डिस्कवरीज ऑफ हाउ सेल सेंस एंड अडेप्ट टू ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, तो इसके लिए इन तीनों को जो है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बता दें कि चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार है ये नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा यानी कि कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा चिकित्सा का नोबेल प्राइज जो है ये दिया जाता है। अगला जो हमारा सब्जेक्ट है वह है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स में जो नोबेल प्राइज है वो इस बार मिला है अभिजीत बनर्जी को जो कि भारत के हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ये आपको याद रखना है। इनके साथ एस्थेर डुफ्लो जो कि फ्रांस के हैं और माइकल क्रेमर जो कि अमेरिका के हैं। इन तीनों को अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज 2019 में दिया गया। बता दें दोस्तों इनको जो पुरस्कार है ये इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए इनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है यानी कि फोर दियर एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी, तो इसके लिए इनको ये इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला। और बता दें कि जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है ये द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा ही दिया जाता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। तो शांति का नोबेल पुरस्कार हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है यानी कि नोबेल पीस प्राइज। तो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो ये इस 2019 में दिया गया है अबी अहमद अली को जो कि इथियोपिया के रहने वाले हैं। और बता दें कि जो अबी अहमद अली हैं ये इथियोपिया के प्रधानमंत्री भी हैं, तो इनको ये शांति का नोबेल पुरस्कार 2019 दिया गया है। यह क्यों दिया गया है ये भी जान लेते हैं। दोस्तों इन्होंने शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के प्रयासों के लिए और पड़ोसी इरिट्रिया के साथ सीमा संघर्ष को हल करने की अपनी निर्णायक पहल के लिए यानी कि फॉर हिज एफर्ट्स टू अचीव पीस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड इन पर्टिकुलर फॉर हिज डिसीजिव इनिशिएटिव टू रिसॉल्व द बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट विद नेबरिंग इरिटेरिया, इसके योगदान के लिए इन चीजों के लिए जो है अबी अहमद अली को जो कि इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बता दें जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये नॉर्वे नॉर्वे को नोबेल कमेटी के द्वारा दिया जाता है। अगला देखते हैं। तो अगला हमारा नोबेल पुरस्कार है साहित्य का यानी कि लिटरेचर का। तो लिटरेचर का जो नोबेल पुरस्कार है वो 2019 में पीटर हैंडकी जो कि ऑस्ट्रिया के हैं इनको दिया गया है। और इनको भाषाई सरलता के साथ मानवीय अनुभव की विशेषता और परिधि के बाहर एक प्रभावशाली काम करने के लिए यानी कि फॉर एन इन्फ्लुएंशियल वर्क विद लिंग्विस्टिक इंग्यूनिटी हैज एक्सप्लोर्ड द पेरीफेरी एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, इसके लिए पीटर हैंडकी ऑस्ट्रेलिया के जो हैं इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2019 दिया गया है। और बता दें कि जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है ये स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर के द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों ये थे 2019 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम। और अब जान लेते हैं कि 2018 के जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वह किसे दिया गया है, क्योंकि यह 2018 में नहीं दिया गया था और हमने वीडियो बनाकर आपको बताया भी था कि ये क्यों नहीं दिया गया है। तो अब जान लेते हैं कि ये 2019 में जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है 2018 का ये किसको दिया गया है। तो साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है 2018 का ये ओल्गा तोकारजुक जो कि पोलैंड के हैं इनको दिया गया है। और बता दें इन्होंने इनको ये पुरस्कार जो है जीवन की परिधियों से परे एक कथानात्मक परिकल्पना करने के लिए यानी कि फॉर अ नरेटिव इमेजिनेशन दैट विद एनसाइक्लोपीडिया पैशन रिप्रेजेंट्स द क्रॉसिंग ऑफ बाउंड्रीज एज अ फॉर्म ऑफ लाइफ के लिए जो है ओल्गा तोकारजुक को नोबेल पुरस्कार 2018 साहित्य का मिला है, ये आपको याद रखना ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो पुरस्कार दाता है जिसके द्वारा ये दिया गया है वे हैं स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर। तो दोस्तों अभी तक आपने जान लिया है कि नोबेल पुरस्कार 2019 के तथ्य क्या हैं और विजेता क्या हैं। चलिए अब इस पर एक टेस्ट कर लेते हैं। तो
तो टेस्ट में सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि किस वर्ष प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो अपना उत्तर आप हमें कमेंट में दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, 1901 में। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि 1901 में जो है नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन में की गई थी अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2019 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है। तो अभी हम बता के हटे हैं, तो आप इसका आंसर हमें कमेंट में दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त यानी कि जेम्स वेबल्स, मिशेल मेयर और डिडियर कवलोज, इन तीनों को जो है फिजिक्स का नोबेल प्राइज 2019 में दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है पीटर हैंडके को किस क्षेत्र में 2019 का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो अभी हमने आपको बताया, तो जो पीटर हैंडके हैं इनको जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वह दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि अबी अहमद अली को नोबेल शांति पुरस्कार 2019 किस लिए दिया गया है। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया बताया कि शांति और अंतरराष्ट्रीय सहयोग हासिल करने के उनके प्रयासों के लिए भी, और जो पड़ोसी देश इरिटीरिया है उसके साथ सीमा संघर्ष को हल करने की अपनी निर्णायक पहल के लिए, इन दोनों के लिए ही अबी अहमद अली जो कि इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं इनको नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से नवाजा गया है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि 2014 में शांति पुरस्कार पाने वाले सबसे युवा नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम क्या है। तो 2014 में इनको ये पुरस्कार मिला था और ये सबसे युवा नोबेल पुरस्कार पाने वाले विजेता हैं। इनका नाम आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मलाला यूसुफजई। दोस्तों बता दें कि मलाला यूसुफजई जो कि सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता है, इनको केवल 17 साल की उम्र में 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि किस नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम 2 बार भौतिकी से सम्मानित किया गया है। तो 2 बार भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इन्होंने जीता है, कौन है इनका नाम बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप हमें कमेंट में दे सकते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जॉन बार्डीन। दोस्तों जॉन बार्डीन एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता है जिन्हें 1956 और 1972 में 2 बार फिजिक्स का यानी कि भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि उस एकमात्र महिला का नाम बताइए जिसे विभिन्न क्षेत्रों में 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, मैरी क्यूरी। तो मैरी क्यूरी एकमात्र ऐसी महिला है जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, भौतिकी में 1903 में और रसायन विज्ञान में 1911 में। अगला है कि रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2019 किसे प्राप्त हुआ है। तो रसायन विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार 2019 है ये दिया गया है जॉन बी गुडिनफ, एम स्टेनली वीटिंग और अकीरा योशिनो, इन तीनों को दिया गया। तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। तो आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि अल्फ्रेड नोबेल 2019 की स्मृति में यानी कि याद में आर्थिक विज्ञान में सेवरिजेस रिक्स बैंक पुरस्कार किसको दिया गया है। तो 2019 की जो 2019 में आर्थिक विज्ञान यानी कि इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज दिया गया है वह अभिजीत बनर्जी, एस्तेर डफलो और माइकल क्रेमर, इन तीनों को दिया गया है। तो आंसर रहेगा ऑप्शन डी। दोस्तों बता दें कि अभिजीत बनर्जी, एस्तेर डफलो और माइकल क्रेमर ने वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए अल्फ्रेड नोबेल 2019 की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में सेवरिजेस रिस्क बैंक पुरस्कार जीता है। इस वीडियो का लास्ट और टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि 1901 में पहला नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता था। तो हेनरी डुरेंट और फ्रेडरिक पासी, तो इन दोनों ने ही जीता था। आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। तो दोस्तों बता दें कि पहला नोबेल शांति पुरस्कार 1901 में हेनरी ड्यूरेंट जो कि स्विट्जरलैंड के थे और फ्रेडरिक पैसी जो कि फ्रांस के थे, इन दोनों को दिया गया था। तो दोस्तों ये थे नोबेल पुरस्कार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य, 2019 के विजेताओं के नाम और उनसे संबंधित टेस्ट एमसीक्यू की फॉर्म में जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ नहीं भूलेगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।